सिद्धू मूसे वाले जी के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, गोलियों के बौछार के साथ जिस प्रकार उनके ऊपर क्रूर हमले की पूरी साजिश रची गई, और आज सिद्धू मूसे वाले जी की हत्या कर दी गई है, यह बहुत ही दुखद घटना है। और पंजाब की जो राजनीतिक स्थिति है, पंजाब के कानून की व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उसको स्पष्ट रूप से बयान करती है। आप सब जानते हैं, कल ही अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ ठोक रहे थे और उन्होंने ये ऐलान किया कि 400 से अधिक लोगों को, जिनको उन्होंने वीवीआईपी कहा, उनके सुरक्षा को वापस लिया गया है। और आज मैं सुन रहा था हरियाणा में भी और अन्य स्थानों में भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल जी इसकी वाहवाही लूट रहे थे। वो चाहते थे पब्लिक इस पर ताली बजाए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो ये शैली है, सुरक्षा हटा लेना, सुरक्षा छीन लेना, इस पर लोग तारीफ करें अरविंद केजरीवाल जी की शैली की। पहले तो इन्होंने सिद्धू मूसे वाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसे हटाई। फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वॉज मेड पब्लिक। नेवर इन द वर्ल्ड वी हैव सीन अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर थ्रेटेंड, देयर सिक्योरिटी इज टेकन बैक एंड द लिस्ट एज टू हूज सिक्योरिटी हैज बीन टेकन बैक, दिस कॉन्फिडेंशियल लिस्ट इज पब्लिश फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। तो एक तरह से यह एक इन्वाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज कुछ संगीन सवाल केजरीवाल जी के सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल जिसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना चाहिए वह प्रश्न है कि कोई आपने इनपुट लिया था, कोई एनालिसिस की थी, ये जो सिक्योरिटी विड्रॉ किया आपने कई लोगों की, सिद्धू जी की जो सिक्योरिटी आपने वापस लिया, आपने कोई इनपुट लेकर किया था, कोई थ्रेट परसेप्शन कितना है, थ्रेट परसेप्शन नहीं है, ये एनालिसिस की थी, या केवल और केवल कोरी राजनीति के लिए, अपने वाहवाही के लिए, अपने लिए ताली बजवाने के लिए आपने ये सिक्योरिटी वापस ली, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, सिक्योरिटी कल वापस ली और तुरंत उसको आपने पब्लिसाइज किया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता है, यह क्यों किया। तीसरा प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी आप ये जवाब दीजिए कि ये जो पंजाब पुलिस है, ये तो आपके इशारे पर, राघव चड्ढा के इशारे पर, ट्विटर में कौन अरविंद केजरीवाल जी के लिए कमेंट कर रहा है, कौन अरविंद केजरीवाल जी से सवाल जवाब पूछ रहा है, उन लोगों को दिल्ली में जाके गिरफ्तार करो, उन लोगों को घसीट करके आप पंजाब लेकर आओ, उन पर SIT बैठाओ, ये सारा तो आपने पुलिस तंत्र को, अपने पूरे फोर्स को आपने इस काम में लगाया हुआ है। अगर आपकी फोर्स वास्तविक रूप में जमीन में काम करती तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दुखद घटना आज नहीं होती। स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, और यह बहुत दुखद है, मेरे साथ शिरशाह साहब है, वो खुद पंजाब के हैं, वो तफसील से आपको यह पूरा विषय बताएंगे, किंतु जो आज फौरी नजर से दूर से भी दिख रहा है पंजाब में, जो लोग पंजाब को नहीं समझते, जो लोग पंजाब को नहीं जानते हैं, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चला रहे हैं। And that's the reason as to why we are seeing the situation that we are seeing in Punjab. People who don't know what Punjab is, people who don't understand Punjab, they are the ones who are remote controlling the politics of Punjab, the government of Punjab, sitting in the thrones, in the high thrones of Delhi. Arvind Kejriwal or Raghav Chadda. Ye dono aaj Punjab ko control kar rahe hain. Bhagwant Maan par to khud सिद्धू मूसेवाला की मां ने सवाल उठाया है। भगवंत मान इज ऑलमोस्ट अकीन टू अ पपेट CM। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने भगवंत मान जी को तो एक पपेट CM के रूप में बैठाया हुआ है, और किस प्रकार दिल्ली से पंजाब चल रही है
वो हम देख रहे हैं, उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, आप दोनों इतना ऐलान कर रहे थे कि हमने इतने लोगों का सिक्योरिटी वापस ले लिया, पब्लिक को हमारे लिए ताली बजानी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या राघव चड्ढा पंजाब में बिना सिक्योरिटी के रहते हैं या राघव चड्ढा जी के पास पंजाब में सिक्योरिटी है? आज हिंदुस्तान की जनता और खास करके पंजाब की जनता जानना चाहती है कि राघव चड्ढा के पास कितनी सिक्योरिटी है, और अगर राघव चड्ढा को डेंजर है तो पंजाब के जो वासिंदे हैं, जिन्होंने पंजाब के लिए संघर्ष किया, क्या उनके जीवन के ऊपर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो खैर चुनाव में कहते थे कि आप वैगनार से आएंगे, वो नीली रंग की गाड़ी से, और आप सिक्योरिटी भी नहीं लेंगे, घर भी नहीं लेंगे, बंगला भी नहीं लेंगे, एक एक करके सब कुछ ले लिया है। आपके पास सिक्योरिटी है या आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? बाहर अभी मुझे मीडिया के ही किसी बंधु ने बताया कि 90-90 गनमैन के साथ तो अरविंद केजरीवाल जी चलते हैं। अरविंद जी, व्हाट यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस, जो आप प्रवचन देते हैं, जो आप सिखाते हैं, उसे जीना सीखिए। आज अगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। बंधुगण, अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सीनियर लीडर पंजाब से माननीय सिरसा साहब मौजूद है, वह भी इस पूरे विषय में आपको तफसील से समझाए। सिरसा साहब, आज पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वहां इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के। जब एक मां ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो, मुझे भी एक गोली मार दो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो। उसकी मां ने कहा, मेरे तीन तीन बच्चे गए हैं, तीन लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके मैंने कल ही ये ट्वीट करके कहा था, 24 घंटे पहले ये ट्वीट किया था, अ हाई लेवल इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर अगेंस्ट द रेकलेस पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर्स लीडर इन्वॉल्वड इन शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद पब्लिक। हाउ कैन द सच सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट बिकम पब्लिक? I demand a strict action against those who have leaked the confidential list of people whose security has been withdrawn. First you withdraw the security and then you make the vulnerable by leaking the names. आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके पास सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। मैं राघव जी, अभी भाई साहब पूछ रहे थे राघव जी का, मैं आपको बताऊं 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल जी के पास पंजाब के हैं, 90। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, मेरे को एक स्टेट की पुलिस दे दो, ले ली पुलिस। मैं आज भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, माताओं अपने बच्चों को सुरक्षित करो, एक बहुत खतरनाक आदमी जिसके अंदर ना जाने किस किस तरह के इरादे हैं इस देश के प्रति, क्या सोच रखता है इस देश के प्रति, वो दिल्ली और पंजाब पे काबू जो चुका है और देश के अंदर अपने आप को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को मरवा रहा है। अपने रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चलाने की इच्छा रखने वाले राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन है, 45। हरजिंदर नगर में रहने वाले आदमी को इतना खतरा है, उसको 45 गनमैन चाहिए, आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं। भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन है, 20 सुरक्षा कर्मियों के साथ वो चलते हैं।
450 गनमैन है। आप सुनकर हैरान होंगे, भाई 450 गनमैन। आप सुनिए, मैं आज मीडिया को बताना चाहता हूं, और मेरी बात गलत है तो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जवाब दे इस बात का। 450 गनमैन, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 2-2 करोड़ रुपए की 12 गाड़ियां, 32 स्कॉर्पियो, 18 जिप्सियां, ये भगवंत मान जी की सुरक्षा के अंदर है। पंजाब का खजाना लूटकर पंजाब के लोगों की पैसे की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल आज इन 3 बेशकीमती जानों के जुम्मेवार नहीं, बल्कि उनके कत्ल के लिए जुम्मेवार है। इनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड फॉर दिस मर्डर। ये दिन दिहाड़े अरविंद केजरीवाल सुबह से लेके कल से लेके आज उसके सारी वीडियो देखें, चिला चिला के कह रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है, मैंने सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली। अरे पंजाब को तुम रिमोट से काबू करके ये पंजाब का हाल बना दिया, ये हालात बना दिया आपने। 2 महीनों के अंदर कितने सिंगरों की जान चलेगी, कितने कबड्डी प्लेयरों की जान चलेगी, नशा करते हुए 40 लोग मारे गए, 60 लोग, माफी चाहता हूं, 60 लोग नशे की भेंट चढ़ गए। और अरविंद केजरीवाल का सपना क्या है कि दिल्ली से मैं सरकार चलाऊंगा। मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाल की माता जी ने जब कहा मेरे को, तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा, जब मैं उनकी आवाज सुन रहा हूं। यार एक मां का आप दर्द सोच के देखिए, जिसका अकेला अकेला बेटा है, वो एक गंदी राजनीति, घटिया कमीने लोगों की राजनीति की भेंट चढ़ गया, अरविंद केजरीवाल की सत्ता हथियाने की लालसा की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरे हाथ में पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इसकी भेंट बच्चे चढ़ रहे हैं। आज आपके सामने ये नमूना है, आप देख रहे हैं क्या पंजाब किन हालातों में जा रहा है, और इसका जुम्मेवार अरविंद केजरीवाल, वहां अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जिनके मन में सत्ता हथियाने का इतना लोभ और लालच है, उसके लिए पंजाब को तबाही की लाइनों पर लेके आगे कुछ भी कर देंगे, लेकिन पंजाब को तबाह कर छोड़ेंगे। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, आप बताइए, मैं आपको देश के लोगों से आज पूछता हूं, मैं पंजाब के लोगों से आज पूछता हूं, राघव चड्ढा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए या जत्थेदार अकाल तख्त साहिब दी सुप्रीम टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिख्स, टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ द सिख्स के तो गनमैन उतार दिए जाते हैं, कहा जाता है तुम्हें जरूरत नहीं है, हटाओ इनको यहां से, उनको बेइज्जत किया जाता है। और राघव चड्ढा 45 लोगों की गनमैन के साथ घूमता है, यह पंजाब ने आपको दिया, ये आप कह रहे थे मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आप कह रहे थे कि हम इंकलाब लाने वाले हैं, ये इंकलाब लाने वाले हैं कि बच्चों को मरवा देंगे उनकी सिक्योरिटियां उठाकर, ये देश में पहली बार हुआ। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका संज्ञान, मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं आज कहता हूं मैं कोर्ट में भी जाऊं, कचहरी जाऊं, पर मैं सिद्धू मूसेवाला को आज एक बात, आज वो नहीं रहा, उसके परिवार को और उसको भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने तेरी सिक्योरिटी वापस करके बाजार में तेरे डॉक्यूमेंट डाले हैं उनको उसका सबक सिखाएंगे, ऐसे घटिया लोगों की जेल की सलाखों के पीछे छोड़ के आएंगे, और ये घटिया राजनीति जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं इसको भी एक्सपोज करके दुनिया को बताएंगे और इसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। आज उन 3 जानों का अगर कोई जुम्मेवार है वो अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पंजाब पुलिस किन पे कार्रवाई करके इनको बंद करे जिन्होंने पंजाब के बेगुनाह लोगों को मरवाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया। धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार सीधे सीधे बीजेपी के अपने नेताओं को सुना, उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही साथ राघव चड्ढा पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केजरीवाल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो सुरक्षा घटाई गई उस पर निशाना साधा गया, अलग अलग सवाल पूछे गए, क्या इनपुट
या एनालिसिस किया गया था या सिर्फ वाहवाही के लिए इस तरह से ये तमाम बातें जो है वो सार्वजनिक की गई थी। गंभीर आरोप सिरसा की तरफ से लगाए गए। उनका कहना है कि जिस तरह से भगवंत मान उनके पास में 350 से ज्यादा गनमैन है सुरक्षा में, ना सिर्फ भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री है बल्कि उनकी बहन के पास में 20 गनमैन है सुरक्षा में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास में 90 से ज्यादा गनमैन है सुरक्षा में, आखिर किस आधार पर पंजाब के तमाम वीआईपी जिनमें कई नेता भी हैं, कई पूर्व मंत्री भी हैं, उनकी सुरक्षा घटाई गई। इस पर सीधे सीधे आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर आरोप लगाया है। यह आरोप लगाया गया है कि पंजाब की सरकार भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा लगाते रहे, वहां से चला रहे। इमीडिएटली उन्होंने जोड़े गनमैन है और फैमिली मैंबरस ने उन्होंने सिविल अस्पताल मानसा मूव किया गया कि मिस्टर सिद्धू मूसेवाला वॉज डेड ब्रॉड डेड आउट ऑफ हॉस्पिटल। जोड़े उन्होंने नाल दो दोनों स्टेबल कंडीशन है तो फर्दर ट्रीटमेंट लिए उन्होंने पटियाला हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया। प्रिलिमिनरी जी इन्वेस्टिगेशन की गल सामने आई है दैट द मैटर जोड़ा मैटर है सीम्स टू बी अ केस ऑफ इंटर गैंग राइवलरी जेद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लक्की पटियाल ग्रुप जोड़ा है जेद गैपबाजी चलती पी है वो करके जरा ये जरा काम किया गया है प्योरली जरा एक गैंग एंगल है। इस तो अलावा मिस्टर सिद्धू मूसेवाले को टोटल 4 गनमैन से 2 गनमैन एक लुकारा दिवस थी जी इमरजेंट लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए भी ड्रॉ किए गए थे पर 2 गनमैन कमांडो ने मिस्टर सिद्धू मूसेवाले के नाल से। मिस्टर सिद्धू मूसेवाला अपने वालों ही अपने जोड़े गनमैन स्टाफ है उन्होंने घर छड़ के गए थे नाल नहीं लेके गए थे। इस तो अलावा मिस्टर सिद्धू मूसेवाले को एक बुलेट प्रूफ गड्डी सी तो अज वो जी बुलेट प्रूफ गड्डी नहीं लैके गए थे। इस तो अलावा साढ़े को जी इन्वेस्टिगेशन दौरान काफ़ी लीड्स भी आ चुकिया हैं तो असं उन्होंने वर्क कर रहे हैं